इस सदन के मेंबर्स को इस महत्वपूर्ण बिल में उन्होंने जो नोटिस दिया उसको एडमिट करके बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं इनका नोटिस क्यों स्टैंड नहीं करते हैं और जो भी पॉइंट्स उन्होंने यहां ऑब्जेक्शन के तौर पर रेज किया यहां उसको एडमिट क्यों नहीं करना चाहिए मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। उसके बाद जितने भी इश्यूज आज यहां उठाए गए हैं उसको मैं आपके अनुमति से विस्तार से एक एक पॉइंट का मैं जवाब देना चाहूंगा। और मैं ये मानता हूं विश्वास है कि मेरे बात को ध्यान से सुनने के बाद अंत में इन्होंने जो भी आशंकाएं व्यक्त किए हैं या गलत तरीके से यहां बातें बताया गया है सब चीज को मैं दूर करूंगा और मैं सिर्फ उम्मीद ही नहीं यकीन है कि इस बिल के बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद इस हाउस के जितने मेंबर्स हैं सब इस बिल को समर्थन जरूर करेंगे। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय जी इन्होंने कॉम्पिटेंसी का मुद्दा यहां उठाया। मैं पूरा जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं इस बिल में जो भी प्रावधान है आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट का एक केस का मैं हवाला देना चाहूंगा ब्रह्मचारी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रिलीजियस डिनोमिनेशन का बारे में रूलिंग दिया गया है और उस रूलिंग के तहत वक्फ बोर्ड डजंट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा सर इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला जिसको दबा के रखा हुआ है उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। और सर संविधान के कंकरेंस लिस्ट एंट्री नंबर 10 और 28 में आज के जो विषय हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो एंट्री 10 और एंट्री 28 में ये कंकरेंस लिस्ट में है इसलिए ये पूरा लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इस सदन के पास है भारत सरकार के पास है इस सदन में ये बिल पेश करने का। अध्यक्ष महोदय जी जैसे मैंने कहा है सबका पॉइंट्स को मैंने नोट भी किया बहुत अच्छी तरह से सबका कंसर्न को भी हमने नोट किया है। मैं बारी बारी से कहना चाहता हूं सबसे पहले तो सर ये वक्फ अमेंडमेंट बिल ये पहली बार इस सदन में पेश नहीं किया गया अंग्रेजों के जमाने से लेकर के उससे पहले का लंबा इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन आजादी के बाद सबसे पहले ये एक्ट लाया गया है 1954 में सबसे पहले ये एक्ट लाया गया था। उसके बाद कई अमेंडमेंट हुए सर काफी अमेंडमेंट होने के बाद मैं पूरा इतिहास में नहीं जा रहा हूं लेकिन जो अमेंडमेंट आज हम लाने जा रहे हैं इस सदन में वो वक्फ एक्ट 1995 जिसको 2013 में अमेंडमेंट ला करके इस पूरा जो वक्त का पर्पस इंटेंशन और जिसके उम्मीद में लोगों का सालों तक था कि इस अमेंडमेंट जो लाया इससे कुछ फायदा मिलेगा उसको उल्टा करके 2013 में ऐसा प्रावधान डाला गया था जिसके वजह से आज ये अमेंडमेंट लेकर के हमको यहां सदन में आना पड़ रहा है।